हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शॉर्ट शॉर्ट स्टडी में। और मेरा नाम है जितेन वर्मा और आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 17 अप्रैल के। और जो ये करंट अफेयर है ये 5 से 6 न्यूज़पेपर से निकाले गए हैं और ये आपको हर एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो या SSC का एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स आते हैं वहाँ पर आपको इनमें से ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं श्योर शॉर्ट स्टडी के नाम से। चैनल का नाम है श्योर शॉर्ट स्टडी के नाम से यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके, और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री जोसेफ जूटे ने इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वो थे हैती। हैती एक कंट्री है, उसके प्रधानमंत्री थे जोसेफ जूटे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अजय प्रकाश साहनी ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के लिए कितनी पहल की है, मतलब इन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जो कुछ नया करने के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, तो वो कितने हैं? वो 3 इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो ये बना रहे हैं आईपी गुरु, पहला इनिशिएटिव, जो पहली पहल है उसमें ये बना रहे हैं आईपी गुरु के नाम से बना रहे हैं। और दूसरा है इनका निक्सी अकेडमी के नाम से, निक्सी अकेडमी। इसमें ये बच्चों को जो भी ऑल ओवर इंडिया है उनको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और तीसरी जो इन्होंने पहल किया उसके अंडर ये बना रहे हैं निक्सी आईपी इंडेक्स पोर्टल, एक पोर्टल बना रहे हैं जिसका नाम है निक्सी आईपी इंडेक्स पोर्टल। तो ये 3 तरह की पहल इन्होंने की है अजय प्रकाश साहनी ने। किस मंत्री ने वास्तव में ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज और ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, यानी परिवहन फॉर ऑल चैलेंज, ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं परिवहन, तो परिवहन फॉर ऑल चैलेंज या इसको बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने ये लॉन्च किए हैं इवेंट, एक तो ईट स्मार्ट सिटीज़ के नाम से और एक है ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज, ठीक है। और हरदीप सिंह पुरी कौन है? हरदीप सिंह पुरी हमारे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री, जिसको हम सिविल एविएशन मिनिस्टर भी बोलते हैं। और इनके पास एक और मंत्रालय है जिनका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये मंत्रालय भी है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवास और शहरी मामलों के मंत्री, ठीक है, शहरी मामलों के मंत्री। ये भी कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री है और आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। स्मृति ईरानी के पास 2 मंत्रालय है, एक तो है महिला एवं बाल विकास, ये स्मृति ईरानी के पास है, और दूसरा है इनके पास कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल, ठीक है, कपड़ा मंत्रालय भी इनके पास है स्मृति ईरानी के पास। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन की क्या स्टेट है, उसको इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इस रिपोर्ट का शीर्षक है माई बॉडी इज माई ओन, कि मेरा शरीर मेरा अपना है, ये इस रिपोर्ट का क्या है शीर्षक है, ठीक है। और ये एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क सिटी है US में, वहाँ पे इसका मुख्यालय है, ठीक है। और अगर हम इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें, यानी कि इसके महानिदेशक की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के जो महानिदेशक है उसका नाम है नतालिया कनेम, ये इसकी महानिदेशक है, ठीक है। और न्यूयॉर्क के अंदर एक और संस्था है यूनाइटेड नेशन की, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, जिसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और अगर इसका महानिदेशक पूछ ले तो इसका महानिदेशक का नाम है अचिम स्टेनर जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के महानिदेशक हैं।
तो चलिए आगे चलते हैं। वट इज द इंडियाज रैंक इन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, यानी कि इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या आई है? भारत की रैंक आई है 49, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। स्वीडन एक कंट्री है, वो है पहले स्थान पर, ठीक है। और स्वीडन की अगर हम राजधानी की बात करें तो स्वीडन की राजधानी कौन सी है? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन सी कंट्री आई है? यूएसए। यूएसए आई है दूसरे स्थान पर। तो आपको पहला ही याद रखना है, स्वीडन पहले स्थान पर आई है और इंडिया की याद रखनी है, इंडिया की है 49th, यानी 49वीं रैंक है, ठीक है, इसमें इंटरनेट सूचकांक 2021 में। किस मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? पीयूष गोयल ने, ठीक है, पीयूष गोयल ने की है। और पीयूष गोयल के पास भी तीन मंत्रालय है, एक तो है रेल मंत्रालय इनके पास, ठीक है, रेल मंत्रालय है इनके पास, और एक है वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग, जिसको बोलते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और तीसरा मंत्रालय इनके पास उपभोक्ता मंत्री है, उपभोक्ता मंत्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। ये तीन मंत्रालय है, उपभोक्ता, वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्रालय, ये तीन मंत्रालय है पीयूष गोयल के पास। आरबीआई ने 2021 से किसकी समीक्षा करने के लिए एक नया विनियम समीक्षा प्राधिकरण स्थापित करेगा? आरबीआई जो है एक नया समीक्षा प्राधिकरण स्थापित कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, वो किसकी समीक्षा करने के लिए, किसकी इंक्वायरी करने के लिए, किसको रिव्यू करने के लिए कर रहा है? तो वो है रेगुलेशंस को देखने के लिए कर रहा है, जितने भी सर्कुलर्स है उनको देखने के लिए कर रहा है, रिपोर्टिंग सिस्टम को चेक करने के लिए कि रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा है, ठीक है, कॉम्प्लियंस प्रोसीजर यानी अनुपालन प्रक्रियाएं सही से हो रही है कि नहीं, उसकी समीक्षा करने के लिए इन्होंने 1 मई से ये क्या नया विनियम समीक्षा प्राधिकरण स्थापित करेगा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता कर रहा है डिप्टी गवर्नर है जो आरबीआई के, इनका नाम है एम राजेश्वर राव। ये चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक है एम राजेश्वर राव, जिनको इस कमेटी का क्या बनाया गया है? हेड बनाया गया है, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट ये देगी एम राजेश्वर राव। और आरबीआई कब स्थापित हुआ था? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, ये क्वेश्चन आ जाता है बैंकिंग में, 1 अप्रैल 1935 में बना था आरबीआई। और सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? कोलकाता में, बट अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आरबीआई के अगर हम गवर्नर की बात करें तो कौन है? शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई में चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि चार डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में हमेशा, और एक गवर्नर होता है। किस कंपनी ने SME के लिए, यानी कि स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, $250 मिलियन, ऑलमोस्ट कितने हैं 1873 करोड़ रुपए का उद्यम फंड लॉन्च किया है, वेंचर फंड, ठीक है, ये है अमेजोन, ठीक है। और इन्होंने इस फंड का नाम भी दिया है, अमेजोन संभव वेंचर फंड, ठीक है, इस फंड का नाम दिया है, $250 मिलियन का फंड जो दे रहे हैं, इस फंड का नाम दिया है अमेजोन संभव वेंचर फंड, ठीक है। ये दे रहे हैं स्मॉल एवं मीडियम एंटरप्राइजेस को, जो लघु उद्योग है उनको, ताकि वो ग्रो कर सके, वो बढ़ सके, वो अपना बिजनेस बढ़ा सके, उसके लिए अमेजोन दे रहा है, ठीक है। और अमेजोन का मुख्यालय कहाँ पे? US में है। जेफ बेजोस जो है वो इसके ओनर हैं, ठीक है, किसके? अमेजोन के, ये आपको याद रखना है। और इनकी एक और कंपनी भी है जो कि स्पेस कंपनी है, उसका नाम है ब्लू ओरिजन, ठीक है, ये इनकी स्पेस कंपनी है, रॉकेट बनाती है, स्पेस रॉकेट, ठीक है, ये भी जेफ बेजोस की है। किस फिल्म को मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फीचर का पुरस्कार मिला है? तो ये है मराठी फिल्म है जिसका नाम है पुगल्या, ठीक है, पुगल्या मूवी है इसका, इनको इसको मिला है, इस किसके लिए मिला है? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर अवार्ड, ठीक है।
और इसके डायरेक्टर किसने डायरेक्ट किए हैं, ये डायरेक्ट किए हैं विनोद सैम पीटर। विनोद सैम पीटर जो है वो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, विनोद सैम पीटर, ठीक है। और मॉस्को की अगर हम बात करें, मॉस्को की, तो मॉस्को की राजधानी क्या है, मॉस्को किसकी राजधानी है, मॉस्को रशिया की राजधानी है, रशिया कंट्री है, रूस जिसको बोलते हैं, रूस, रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस की करेंसी यानी कि मुद्रा वो क्या है, रूबल, ठीक है, रूबल जो है वो है रूस की मुद्रा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसरो ने अपने किस पहले मानव अंतरिक्ष मिशन में सहयोग के लिए फ्रांस की CNES, जैसे US की नासा है, इंडिया की इसरो है, ऐसी फ्रांस की है CNES, अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो यह गगनयान, इसके मिशन का नाम है गगनयान। अब ये जो ह्यूमन को भी स्पेस में ट्रैवल करा सकते हैं, तो उस मिशन का नाम दिया इन्होंने गगनयान। इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है फ्रांस की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES, ठीक है, उसके बाद किया। और मिशन का नाम क्या है, गगनयान, मिशन का नाम क्या है, गगनयान। और इसरो के जो प्रेसिडेंट है, इसरो के जो हेड है उसका नाम क्या है, उसका नाम है के सिवान, ठीक है। और जो DRDO है उसके हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी, ठीक है, जी सतीश रेड्डी किसके हेड है, DRDO के। और के सिवान किसके हेड है, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे, विश्व आवाज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 अप्रैल को, ठीक है। और इस साल की जो थीम थी यानी विषय था वर्ल्ड वॉइस डे का, जो थीम थी, थीम को नोट कर लेना, थीम क्या थी, वन वर्ल्ड मैनी वॉइस। अक्सर थीम पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, जो भी डेज होते हैं उनकी थीम पूछ लेते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर की थीम क्या है, तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड वॉइस डे की थीम क्या है, वन वर्ल्ड मैनी वॉइस। अटल इनोवेशन मिशन AIM, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डिजिटल रूप से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यानी कि डिजिटल रिच इकोसिस्टम बनाने के लिए इन्होंने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और द सोल सिस्टम फाउंडेशन, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग मिलकर क्या बना रहे हैं, डिजिटली रिच इकोसिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, ताकि ये युवाओं को हेल्प कर सके उनको ग्रो करने में, ठीक है। तो ये बना रहे हैं डिजिटली रिच इकोसिस्टम, कौन कौन बना रहे हैं, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और द सोल सिस्टम फाउंडेशन। किसने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में मंगोलिया के शोवदोर बर्तजाव को अलसी कजाकिस्तान में हराकर स्वर्ण पदक जीता है, ये है सरिता मोर, इंडिया की है सरिता मोर, इन्होंने जीता है, हराया किसको है, शोवदोर बर्तजाव को, ठीक है। और ये हुए कहाँ पे थे, कजाकिस्तान में। तो इंडिया ने टोटल इस पूरी टूर्नामेंट में एक गोल्ड जीता है, एक गोल्ड मेडल जीता है और दो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और गोल्ड मेडल किसने जीता है, सरिता मोर ने, ठीक है, हराया किसको है, शोवदोर बर्तजाव को। पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित मिशन जिसका नाम है, मिशन का नाम है आहार क्रांति की शुरुआत किसने की, ये किया हर्षवर्धन ने मिशन स्टार्ट किया है, मिशन का नाम है आहार क्रांति। ये क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक मिशन है, ये स्टार्ट किया है हर्षवर्धन ने। हमारे मिनिस्टर है, भूविज्ञान मंत्री है, जिसको बोलते हैं अर्थ साइंस मिनिस्टर, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिनिस्टर है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिनिस्टर है, मंत्री है, ठीक है। और ये मंत्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, स्वास्थ्य एवं बाल विकास, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री है, भूविज्ञान मंत्री है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है, कौन है, हर्षवर्धन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, अब ये स्टेटिक क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में नहीं, तो ये है राजा जी कहाँ पे है, उत्तराखंड में, राजा जी जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। बाकी पिन वैली भी हिमाचल प्रदेश में है, खीर गंगा भी हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क और है, एक है सिंबल बारा, ठीक है, और एक है इंदर किला,
इंदर किला, ये दो नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बस राजा जी जो है वो कहाँ पे? उत्तराखंड में है। बाकी ग्रेट हिमालयन, सिंबल बरा, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ये पांचों नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में है। वो राजा जी नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? उत्तराखंड में है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में जो कि होगी 18 अप्रैल की। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे हमारा चैनल जो कि है शोर शोर स्टडी के नाम से, और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जाके आप शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए और हमें फॉलो करिए। तब तक के लिए थैंक यू, और नई वीडियो में मिलते हैं 18 अप्रैल की। तो थैंक यू सो मच।